Everybody, so this is Subodh sir. So once again, saga of success in Subodh law classes, it continues unabated. Now many candidates in the past have cracked so many law entrance exams in India, and they have also cracked judicial exams of various states. So saga of success in this coaching, right from the year 2004, it is continuing, and further also it is continuing. So we have got Raj Nandini with us. She has completed the most prestigious Chotanagpur law entrance exam. This college is based in Ranchi, and it offers 3-year LLB course after graduation, besides many courses which are offered by this college. So Raj Nandini, aapka ye sapna tha ki aap 3-year LLB कोर्स अपने जीवन में करें. यस सर. और 3-year LLB कोर्स करने के बाद आप बहुत चीज़ अपने जीवन में अचीव करना चाहती हैं. यस सर. तो पहले तो लॉ कोर्स कंप्लीट होगा तभी आप आगे कुछ कर सकती हैं. यस सर. तो जो पहला बैरियर है एंट्रेंस क्रैक करने का, क्लियर करने का, वह एंट्रेंस आप क्लियर कर ली हैं. यस. सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अचीविंग दिस ग्रैंड सक्सेस. ये सक्सेस मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है सर? आई एम फीलिंग वेरी नाइस सर. ओके. विदाउट योर सपोर्ट एंड पेरेंट्स सपोर्ट आई एम नॉट क्लियर दिस एग्जाम. ओके. सो इनको सफलता मिली है, ये बहुत मेहनत की है, लेकिन ये वेरी फ्रैंकली सी एडमिटिंग दिस फैक्ट दैट शी वांट्स टू गिव क्रेडिट टू हर पेरेंट्स एंड टू हर टीचर्स. दैट्स हर ग्रेटनेस. शी इज नॉट टेकिंग credit for whatever she has done. That's very nice, very excellent. So please maintain this humble spirit and you will succeed in your life. Jeevan mein bahut aage jaiyega. So now let's come to the point, because we are taking this interview so that jo bhavishya mein jo vidyarthi is entrance ki taiyari karna chahte hain, is video ko padhkar unko kuch direction mile, guidance mile, ताकि वो जीवन में इस एंट्रेंस को अच्छे ढंग से तैयारी कर सकें और उनको कोई दिक्कत ना हो. तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने इस परीक्षा की तैयारी कैसे की, आपको ये सफलता इतनी आसानी से कैसे मिली, आपकी पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी थी. प्लीज़ शेयर दिस विद द एस्पायरेंट्स. सर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो किया सर आपके हर नोट्स को. राइट. एवरी नोट्स यू आर क्लियरली टीच इन क्लास एंड गो टू द होम एंड रिविजन दैट नोट्स. सो जो नोट्स इनको क्लास से मिला, जो भी चीज़ इनको गाइड किया गया, उसको ये बहुत अच्छे ढंग से पढ़ी और घर जाकर डेली ये नोट्स को रिवाइज करती थी. एंड इन दिस वे शी बिकम वेरी परफेक्ट टू प्रिपेयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम. दैट्स एक्सलेंट. आप हमारे फ्यूचर एस्पायरेंट्स को बताएं कि छोटानागपुर लॉ कॉलेज में जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, वर्तमान में यह एग्जाम कितने मार्क्स की होती है, कितने घंटे की होती है, और एग्जाम की पैटर्न क्या होता है. प्लीज शेयर दैट. सर एग्जाम की पैटर्न है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. ओके. 100 मार्क्स. सो शी इज सेइंग दैट एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी. एग्जाम कितने मार्क्स के होते हैं? 100 मार्क्स के. ओके, वेरी गुड. वाज देयर नेगेटिव मार्किंग? नो सर, देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग. समय ड्यूरेशन क्या था? 2 आवर्स. वेरी गुड. सो आप बोल रही हैं कि ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है. yes. तो ऑब्जेक्टिव में किस किस सेक्शन से प्रश्न आए थे? सर लीगल, राइट, लीगल अवेयरनेस एंड लीगल ऑब्जेक्टिव्स एंड करेंट अफेयर्स, राइट, मैथ्स, ओके, हिंदी, इंग्लिश एंड करेंट अफेयर्स एंड ऑल जीके जीएस एंड जनरल साइंस. ओके. आपने सब्जेक्टिव का जिक्र किया कि क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी थे. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार के थे, कुछ एग्जांपल दीजिए. सर एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग. एसे राइटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड. ओके. शी सेइंग दैट कि सब्जेक्टिव में एसे राइटिंग भी था और लेटर राइटिंग भी था. एंड शी सेइंग दैट एसे राइटिंग जो था किस टॉपिक पर था? यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड GST एंड G20 सबमिट. ओके. शी सेइंग दैट GST विषय पर नोट्स लिखने को आए थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नोट्स लिखने को आए थे, G20 पर नोट्स लिखने को आए थे, फिर लेटर भी आया था. यस सर. शी सेइंग दैट कि प्रश्न पत्र में लेटर राइटिंग भी था. सो जो भी विद्यार्थी छोटानागपुर लॉ कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज मेक इट क्लियर, यू हैव क्वेश्चन पेपर फॉर 100 मार्क्स एंड इट इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि एक क्वेश्चन होगा, 4-5 ऑप्शंस होंगे, आपको सिर्फ टिक कर देना है. सब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि यू विल हैव टू राइट समथिंग. सी सेइंग दैट कि इस साल जो सब्जेक्टिव प्रश्न थे जिस पर लिखने को आया था, वह टॉपिक था यूनिफॉर्म सिविल कोड, GST, G20. इसका मतलब हुआ
कि जो बर्निंग लीगल टॉपिक्स है मोस्टली उसी पर प्रश्न आते हैं। तो आप जिस साल इंट्रेंस एग्जाम में अपियर हो रहा है उस साल का जो भी पिछले एक साल का जो लीगल टॉपिक्स है विच आर बर्निंग इन नेचर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर उस पर नोट्स बनाए और थरो नोट्स बनाकर जाके एग्जाम में बैठे, राइट? यस सर। ओके, सो सी सेइंग कि यू मस्ट प्रिपेयर फॉर बोथ द सेक्शंस ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव। नाउ प्रश्न, हर प्रश्न पत्र में आजकल करंट अफेयर्स आते हैं। यस सर। तो इसमें पिछले कितने महीने के करंट अफेयर्स आपको लगा कि आया था? सिक्स मंथ्स। सो एक साल का प्रिपेयर कीजिए लेकिन लास्ट सिक्स मंथ्स का क्वेश्चंस करंट अफेयर्स का अच्छे ढंग से पढ़ लें। तो आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे की? सर, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। ओके, सी रीड न्यूज़पेपर्स डेली, सी फॉलोड सम मैगजीन्स एंड सी ऑल्सो फॉलोड द नोट्स विच वे गिवन इन द कोचिंग, राइट? यस सर। एंड जो लॉ था जैसे कॉन्ट्रैक्ट, टॉट, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब लीगल टॉपिक्स की तैयारी आपने कैसे की? यू गिव मी नोट्स दैट प्रिपेयर दैट। ओके, सो वो नोट्स जो मैं दिया उसी की पढ़ाई आपने की? यस सर। एंड वाज दैट इनफ टू टैकल द एग्जाम? यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ ये लॉ 3 साल का जो कोर्स है, ये करने के बाद आप अपने जीवन में लॉ के किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे? आई वुड लाइक टू अपीयर ए जुडिशियल एग्जाम एंड बिकम ए जुडिशियल ऑफिसर। ओके, ये जुडिशियल एग्जाम में अपीयर होना चाहती हैं और ये एक जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहती हैं। सो फॉर दैट नेचुरली आप 3 साल का जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है उसकी तैयारी के साथ साथ इस एग्जाम का भी तैयारी पूरे सिंसियरली आपको करना चाहिए। yes, ताकि 3 साल बाद आप इसकी तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सकें। yes. जो विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, जो विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं, मुझे यही सजेस्ट करूँगी सुबह लॉ क्लासेस आके ज्वाइन करें, दैट इज एनफ फॉर दैट। ओके, सो प्लीज प्रिपेयर वेरी नाइसली, प्लीज प्रिपेयर वेरी नाइसली एंड प्लीज ट्राई टू बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। इन्होंने जिस्ट में इस परीक्षा की तैयारी कैसे किया जाए इन्होंने आपको बड़े अच्छे ढंग से बता दिया है कि प्रश्न पत्र 100 मार्क्स का होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस होते हैं और इसमें लॉ, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सब टॉपिक्स को अच्छे ढंग से पढ़ लें। सब्जेक्टिव में जो लीगल करंट अफेयर्स है मोस्टली उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। एक ऐसे लेटर भी आता है और ऐसे भी आता है और लेटर राइटिंग भी आता है। सो उन सब का भी तैयारी अच्छे ढंग से कर लें। सो विथ वेरी नाइस प्रिपरेशन एंड विथ वेरी डीप प्रिपरेशन आई डोंट थिंक वन शुड हैव एनी डिफिकल्टी इन टैकलिंग दिस लॉ एंट्रेंस एग्जाम विच इज कॉल्ड छोटानागपुर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।